नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, अपने पौधों से फ्लावरिंग देने के लिए, उनकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, खूबसूरत बनाए रखने के लिए हम बहुत सारे फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। बहुत सारे फर्टिलाइजर मार्केट से लाते हैं, नर्सरी से खरीद के लाते हैं, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमको नर्सरी वगैरह नहीं जाना पड़ता, उनको हम घर में ही रेडी कर सकते हैं। तो ऐसे फर्टिलाइजर बताऊंगी जो एक बार बनाएं और उसको बनाकर रख दीजिए, आपको सालों तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके ही घर में बड़ी हुई चीज़ों से, देखिए इतनी गर्मी पड़ी, भीषण गर्मी में भी ऐसे फूल खिल रहे हैं बिगोनिया में। तो ये सब जो है हमारे घरेलू होम मेड फर्टिलाइजर जो हम देते हैं प्लांट्स को, उन्हीं का असर होता है। दोस्तों, जो भी आप केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह आप नर्सरी से लाते हैं या बाजार से लेके आते हैं, उनसे आपकी सॉइल खराब होती है, हार्ड होती है, और गर्मियों में तो वो प्लांट को मार ही देती हैं। कई बार आपके प्लांट जो होते हैं अच्छे खासे चल रहे होते हैं, सूख जाते, तो उन्हीं का असर होता है। कुछ परसेंटेज ज़्यादा हो गया, कुछ थोड़ा कम हो गया, तो वो चीज़ें असर नहीं करती कम होने पर, और ज़्यादा होने पर प्लांट के लिए खतरा होता है। तो इसलिए आप होममेड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। होममेड फर्टिलाइजर में ऐसा फर्टिलाइजर कि आपके प्लांट को फूलों को देने के लिए, सब्जियों के लिए, और उसकी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए मजबूर कर देगा। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारे घरों से निकला हुआ कूड़ा कचरा कहें या जो जी डस्टबिन में जाती है, वो आज मैंने संभाल के रखी। तो लंबे समय से संभाल के रखने से कारण देखिए मेरे यहाँ इतना सारा, मेरे पास ये मेरा खजाना तैयार हुआ है। इस खजाने के अंदर आपको केले के छिलके मिलेंगे, अनार के छिलके मिलेंगे, चाय पत्ती मिलेगी, नींबू मिलेंगे, तो इस तरह से, और तो और इसमें दालचीनी के टुकड़े भी हैं। देखिए, तो ये फर्टिलाइजर जब बनाएंगे हम, इसको कई तरह से इस्तेमाल कर। दोस्तों, अभी मौसम बहुत अनुकूल है, इस समय हमने ऐसी सब चीज़ों को जो है सुखा के, जितना हो सकता है, ये तो एक दिन का कलेक्शन नहीं है, ये महीनों का कलेक्शन है। महीनों से जब ये संतरे छिलके आप सो सकते हैं, बहुत पहले से सूखते हुए आ रहे हैं, तो इनको सुखा के ये मेरी सॉइल को जो है एसिडिक बनाएंगे। चाय पत्ती जो है मेरी सॉइल को एसिडिक बनाएगी। इसको हम मनी प्लांट में भी दे सकते हैं, इस फर्टिलाइजर को आप जो है गुलाब में भी दे सकते हैं, गुड़हल में भी दे सकते हैं, सभी पौधों के लिए, इस सर्दियों के पौधों के लिए भी, गर्मियों के पौधों के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा फर्टिलाइजर है जिसको एक बार बनाना है और बना के आप जब जरूरत हो तब निकाल के उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जब हम नए प्लांट की सॉइल बनाएंगे तो थोड़ा सा जो है एक चम्मच उसमें डाल देंगे, तो ये सब चीज़ें बहुत फायदेमंद। आप देखिए केले के छिलके इतने सारे हैं, बहुत ढेर सारे केले के छिलके, क्योंकि जब हमको ज़रूरत होती है उस समय हम केले के छिलके भिगा के नहीं रख पाते, नहीं मिल पाते, तो ये जो है हमारा डेली टू यूज एक फर्टिलाइजर हमारा तैयार हो रहा है। नींबू के छिलके भी देखिए, इसमें कितनी सारी मात्रा में आपको नींबू के छिलके मिल जाएंगे। तो इस तरह की जितनी चीज़ें कि पील से मैं सुखा सकती थी, जो बहुत फ़ायदेमंद हैं और जो हमारे घर में डेली निकलता है, वही सब कुछ है इसके अंदर। दोस्तों, इस फर्टिलाइजर को आप कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ऐसे ही लेकर आप जो है अपने गमलों में, इस तरह अभी जो पौधे फ्लावरिंग कर रहे हैं, कनेर है, और इसके अलावा गुड़हल है, इसके अलावा मोंगरा है, तो सभी में जो है आप इनको वैसे डाल सकते हैं। दूसरा जो है हमेशा इस्तेमाल करने का बहुत अच्छा तरीका होता है, ये देखिए, ये सारा मैंने इसको लेकर, इसको बहुत सूख चुके हैं, तो इनको इस तरह स्टोर करूँगी तो काफ़ी जगह लगेगी, जगह ज़्यादा चाहिए, तो क्योंकि हमने अपनी गार्डनिंग को सरल भी बनाना होता है, तो ये ज़्यादा जगह ना लगे, इसके लिए क्या करती हूँ मैं, इस सारे को उठा के, सब चीज़ों को निकाल के उठा के फिर से पीस देती हूँ। ये देखिए, मैंने ये थोड़ा सा मात्रा में भी पीस रखा है, ये इसमें चाय पत्ती भी है, सभी चीज़ें, ये इसी मसाले को जो ये बन रहा है, जैसे हम चाय का मसाला बनाते हैं वैसे ही पौधों के लिए मसाला बना रखा है। ये सब मैंने पीस रखा है, और पीस कर इस पर जो है मैं थोड़ी हल्दी मिलाऊंगी, इसको पीस कर इसी में हल्दी को मिक्स कर दूंगी। हल्दी मिक्स करने से दोस्तों इसको मेरे को प्रिजर्व करने में हेल्प रहती है, जिससे कि बाद में जब बरसात आएंगी तो उससे फंगस वगैरह का अटैक इसके अंदर नहीं होगा, जो मेरा फर्टिलाइजर बना हुआ है वो ख़राब नहीं होता है। मैं सालों तक इस तरह से इस्तेमाल करती हूँ। तो ये तरीका है अपने पास एक ऐसा फर्टिलाइजर बना के रखने का। दूसरा जो है दोस्तों, इस फर्टिलाइजर को आप थोड़ा सा लीजिए, एक बोतल पानी में इस तरह से डाल दीजिए, इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, तो इतना यूजफुल फर्टिलाइजर होता है कि आपके प्लांट के पत्ते जो हैं हरे भरे खूबसूरत बन जाएंगे, और आपको बाजार से कुछ भी खरीदने जरूरत नहीं पड़ती, सब हमारे घर पर ही है, हमारे आस पास ही है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हमने ध्यान देना पड़ता है। ये फर्टिलाइजर जो बनाया है दोस्तों, इसको मैं बताती हूँ कि आप किस किस प्लांट को दें। इसको आप रोज को भी दे सकते हैं, इसको आप गुड़हल को भी दे सकते हैं, इसको आप जो है सीजनल प्लांट को दे सकते हैं। पारचुलाका की इस समय आप सॉइल बनाते हैं तो पारचुला की सॉइल में जो है एक चम्मच जो है इस तरह से डाल दीजिए, बाकी जो है इस तरह से घोल के आप हर 15 दिन के अंदर अपने प्लांट पर फिर देते रहें, तो ये बहुत अच्छा असर करता है। एक बार बनाया और हमेशा प्रिजर्व करके इसको हम रख सकते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी
जानकारी थी कि अपने घर से निकलने वाले कूड़े कचड़े को जो जिस तरह से हमारा ये इस तरह से कचरा ही है खाते, कई बार केले के छिलके लोग फेंकते हैं तो हमने फेंके नहीं है, वही सब संभाल रखे हैं। तो ये लंबे समय तक मैं इनको सेव कर रही थी, तो मैंने आज आपसे भी शेयर करना चाहा क्योंकि मैं भी इस तरह से करती हूँ, आप भी करें। क्योंकि अभी गर्मी पड़ रही है, बहुत फ़ायदेमंद मौसम चल रहा है इसमें। दोस्तों से मेरे अदरक वगैरह के छिलके हैं, देखिए अदरक वगैरह हैं, वो भी मैं इनको सब सुखा दिया। सुखाने के बाद अब कुछ नुकसान नहीं होने वाला, कोई प्लांट फंगस नहीं लगेगी। दूसरा दोस्तों, हमें ये डर रहेगा कि इतने सारे केले के छिलके हैं तो इससे हमारे प्लांट्स में जो है चींटियों का अटैक। जब हम इसमें हल्दी मिला देंगे तो एक तो ये एंटीबायोटिक का काम करेगी, एंटीसेप्टिक काम करेगी, हमारे प्लांट में कहीं चोट लगती है, कुछ लगती है, कोई जड़ें कट जाती है तो उनसे सेव कर, उनसे हमारी प्लांट को मरने से बचाएगी। दूसरा जो फ़ायदा मिलेगा, आपको चींटियाँ नहीं होंगी इससे आपके प्लांट में। तो कितना अच्छा था, एक आपके पास फर्टिलाइजर बन के तैयार होता है, अपने घर में बनाइए और खूब इस्तेमाल करिए इन चीज़ों को। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।